नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरबा जिला चिकित्सालय डॉक्टर की घोर लापरवाही के चलते युवक के पैर कटने से बची। कलेक्टर जनदर्शन में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे आकाश कुमार केवट मानिकपुर क्षेत्र वार्ड नंबर 30 में परिवार के साथ निवास करता है। काम से वापस आने के दौरान बाइक की दुर्घटना हो जाने की वजह से पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, जिस पर जिला चिकित्सालय कोरबा में इलाज करवाया, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से पैर में मवाद भर गया। डॉक्टरों ने सिम्स बिलासपुर रिफर किया, जहाँ पर डॉक्टरों का कहना था कि पैर को काटना पड़ेगा 3 महीने। इस दौरान आज कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर साहब से मिलने के उपरांत शासकीय मद से युवक की इलाज कराने की बात कही। उसकी इस स्थिति से परिवार भरण पोषण में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। का नाम है आपका? आकाश। आपके साथ क्या घटना हुई है? बाइक स्लिप हो गई, तो गिर गया है। छोटा सा हड्डी हॉस्पिटल 100 बेड में इलाज कर रहे, मोर पैर पूरा रिएक्शन हो गए, मवाद बनना चालू हो गई पैर। अपन कलेक्टर आपके साथ है आज? जी सर, कलेक्टर आपके चक्कर वाहन का गरीब आदमी है, घर द्वार साहब गिरवी है, प्राइवेट में भी इलाज कराए, आयुष्मान से इलाज वही बोलिस, अब आयुष्मान में तो काटिस पैसा नगद ही थे, और घर द्वार साहब गिरवी है, अब हम कर कोई आशा नहीं है कि हमने का इलाज करा। कौन सा हॉस्पिटल में इलाज करवाए? NKH में वही इलाज कराएँ, आयुष्मान से भी काटिस, नगद भी रहें, ओकरे बाद सहायता राशि कुछ मिली बोल के कलेक्टर साहब जगाए रहे। अब वो बोली से कि कठोर हम तो इलाज करवाबो, चले फिर एक लायक बना दे बोला, बस उसकी बहुत बोल। तो NKH में इलाज करवाया तो कुछ लाभ मिले कि नहीं मिले? लाभ कहाँ मिली भैया, ये तो मतलब NKH से पैसा भी लीज और इलाज भी नहीं करी? इलाज भी नहीं करी, ऑपरेशन भी नहीं हुआ मोरा अभी तक। सर दुर्घटना में एक सर प्रार्थी है जिसका पैर में गुरु जख्म सा, क्या है? एक्चुअली मैं इसका रोड साइड एक्सीडेंट में काफ़ी डिफार्म हो गया था और साथ में इन्फेक्टेड भी हो गया था, तो उस समय तो चूँकि 100 बेड में जितना इलाज हुआ, फिर इसको भेजे थे एम्स में, वहाँ पे डॉक्टर दिखाए, फिर ये आ गया था, प्राइवेट में इलाज करवाया है, आज फिर आया है। इस बीच में इसकी भी मदर मर गई थी, तो इसलिए बीच में लगा नहीं पाया है, तो आज हम इसका नाम पता ले लिए हैं पूरा। और हमारे पास कटघोरा CSC में डॉक्टर हिमांशु कुटिया एक अच्छा डॉक्टर है हड्डी का, तो हमको पूरा विश्वास है कि वो ठीक कर लेगा, नहीं होगा तो फिर हम इसको अपने पैसे में ले जाकर DMF से खर्चा कर कलेक्टर सर मार्गदर्शन में पूरा खर्चा उठाएंगे और पूरा फ्री में इसको इलाज करवाएंगे।